सत श्री अकाल। पंजाबी खबरां देखण वाले दर्शकों का स्वागत है। खबरां दा सिलसिला शुरू करन तो पहला एक नज़र मार लैने आं सुर्खियां दे वल। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लए गए वड्डे फैसले। खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कैबिनेट बैठक के फैसलों बारे दस्सिया। किसानों नूं मंडियां जरिए 1 लाख करोड़ रुपए पहुंचणगे। नवें केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिता वड्डा बयान। कहा कि नवी कौमी सिक्ख्या नीति नाल भारतीय सिक्ख्या प्रणाली ने लंबी छाल मारी। पंजाब च पिछले 24 घंटिया दौरान कोरोना कारण 11 मौतां, 229 नवे केस आए सामने। जिथे किसान जथेबंदियां दिल्ली दियां बरूहां ते बैठ के रोस जता रही ने, उथे संयुक्त मोर्चे दे सद्दे तहत पेट्रोल डीजल दियां वध रहियां कीमतां दे विरोध विच रोस प्रदर्शन किया गया। पेट्रोल डीजल रसोई गैस दियां वध रहियां कीमतां दे खिलाफ नाभा दे पटियाला गेट स्थित ट्रेड माल दे बाहर किसानां ने जम के रोस प्रदर्शन किया। किसानां ने कहा कि केंद्र सरकार दा बेड़ा बैठ गया ते कान ते जूं नहीं सरक रही। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र की मोदी सरकार दिन ब दिन पेट्रोल डीजल ते रसोई गैस दियां कीमतां विच वाधे करदी जा रही है। उन्होंने कहा कि यूपी दियां आने वाली चोणां विच भी इन्हां खिलाफ वह जम के विरोध करनगे। उन्होंने कहा कि सरकार कीमतां घट नहीं करदी तां किसानां वल्लों आने वाले दिनों विच सरकार खिलाफ तिखा संघर्ष किया जाएगा। दलित विद्यार्थियों की पोस्ट मैट्रिक वजीफा राशि विच घोटाला करने वाली कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए आम आदमी पार्टी पंजाब के सीनियर आगू ते पंजाब विधानसभा विच विरोधी धिर दे नेता हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कैप्टन सरकार वजीफा घोटाले की जांच रिपोर्ट केंद्र सरकार नूं ना भेज के अपने भ्रिष्ट मंत्रियों ते मंत्रियों नूं बचा रही है। उन्होंने दस्सिया कि केंद्र सरकार के समाजिक न्याय मंत्रालय ते राष्ट्रीय एसी कमिशन वालों राज दे उच्च अधिकारी कृपा शंकर सरोज की जांच रिपोर्ट ते मंत्रियों वालों तैयार की रिपोर्ट समेत पंजाब सरकार की कार्रवाई रिपोर्ट की मांग की है। हरपाल चीमा ने कहा कि केंद्र सरकार पोस्ट मैट्रिक वजीफा घोटाले की जांच किसी केंद्रीय एजेंसी तो करावे। बरनाला दे सोलिटियर नां दे एक होटल विचों एक व्यक्ति की शक्की हालातों विच मौत होने का मामला सामने आया। तो व्यक्ति की लाश होटल के कमरे नंबर 12 विच खून के नाल लथपथ मिली है। तो लाश के कोलों रिवालवर भी मिली है, जिस तो बाद होटल मालक वालों सूचित करन ते पुलिस प्रशासन वालों पूरी घटना की जांच की जा रही है। तो विशेष फोरेंसिक टीम हर पहलू तो जांच कर रही है। पुलिस प्रशासन ने जांच दौरान दस्सिया है कि मरन वाले व्यक्ति का नाम भगवंत राज है, जो जिला मोगा का वसनीक है। तो ग्रे मैटर्स आइलेट सेंटर का मालिक सी ते काम दे सिलसिले विच इत्थे आया सी ते उसदे सिर विच गोली लगन कारण उसकी मौत हो गई। इसकी जांच लई एक विशेष फोरेंसिक टीम सद्दी गई है। सारी घटना की जांच की जा रही है ते जांच तो बाद ही पता लग सकेगा कि इस घटना पिछे की कारण सी ते उस तो बाद ही कार्रवाई की जाएगी। बीती रात हलका सुल्तानपुर लोधी विच पैंदे पिंड दुर्गापुर विखे पंचायती जमीन नूं लैके चले आ रहे झगड़े ने हिंसक रूप धारण कर लिया, जिस विच तेज धार हथियारां नाल होए हमले विच एक साबका सरपंच ते एक मौजूदा सरपंच दे गंभीर रूप नाल जख्मी होण दा समाचार है। दो धिरां विचकार पंचायती जमीन विचों लगे ट्यूबवैल नूं चलाउण तो दो धिरां विचकार जबरदस्त लड़ाई हुई। दोनां धिरां विच इक कांग्रेसी ते दूजा अकाली दस्सिया जांदा है। पानी दा मामूली रौला इन्ना वध गया कि कई कारां तोड़ दित्तियां गईआं, मोटरसाइकिल भन्ने गए, झगड़े विच तलवारां चलिया, इटा रोड़े चले ते चार लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। दस्सिया जा रहा है कि 8 तो 10 के करीब गोलियां भी चलिया ने, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस इस मामले विच मामला दर्ज करने की मांग कर रही है। इस मामले विच पुलिस वालों कुछ लोगों को हिरासत में ले जाने की भी जानकारी प्राप्त हुई है। इस नाल ही खबरों का सिलसिला इतने समाप्त होंदा है। नवीं ते ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई इजाजत दिओ, धन्यवाद।